नमस्कार, मैं आशुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले ही ये जो कुछ सीटें हैं, ये सीटें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। उसमें से एक सीट है बिजनौर की मीरापुर सीट, जो दलितों का समीकरण कहलाती है, लेकिन उसी सीट पर कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दलितों के चेहरों के बीच होने वाली है। आपको याद दिला दें और आपको बता दें कि बिजनौर की इस मीरापुर की सीट पर मायावती आकाश आनंद पर कहीं ना कहीं दांव चल सकती है। हालांकि कहा ये भी जा रहा है कि मीरापुर की सीट कांग्रेस मांग रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में अगर कांग्रेस मीरापुर की सीट कहीं ना कहीं मांगती है या कांग्रेस अगर एक सीट पर लड़ना चाहती है गठबंधन के तहत ही, तो सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को ये सीट सौंपते नजर आएंगे, क्योंकि मीरापुर की सीट एक इकलौती एक ऐसी सीट है, या यूं कहें कि उन कुछ सीटों में से एक है जहां पर सपा ने अपने विधायकों के साथ एक लंबे समय से जमा रखी थी, पिछले विधानसभा चुनाव से जमा रखी थी। और इस बार मीरापुर की सीट पर मायावती बड़ा दांव कहीं ना कहीं चलना चाहती है, क्योंकि मायावती अब आकाश आनंद को उतार कर इस सीट से दलितों का पूरा वोट, या यूं कहें कि पूरा बहुमत का समीकरण अपनी ओर खींचना चाहती है। क्या मायावती इस प्रयास में सफल होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आजाद भी इस राह में है, लेकिन आजाद का मुद्दा अलग है, मुद्दा यहाँ पर अखिलेश का है और मायावती का है, और वहीं कांग्रेस की उस एक तरह से कहे तो वो साख जमाने की रणनीति का है। तो सवाल उठता है कि क्या विपक्ष यहाँ पर इस जगह इस राजनीतिक समीकरण और मीरापुर की इस उपचुनाव सीट पर, जिस सीट पर उपचुनाव होने वाला है, क्या इस सीट पर अपना वजूद जमा पाएगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी रणनीति के तहत काम कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल तो है विपक्ष, लेकिन इसी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के साथ साथ ही अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं मीरापुर की सीट पर अपनी साख जमा लेता है या मीरापुर की सीट को अपनी ओर खींच लेता है, तो आने वाले समय में जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि मीरापुर की सीट पर मायावती इस बार आकाश आनंद को एक तरह से चुनावी मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है, या यूं कहें कि प्रयास कर सकती है। हालांकि अभी तक बीएसपी की ओर से ऐलान नहीं किया गया है कि 10 की 10 सीटों पर कौन प्रत्याशी उतरेंगे। अखिलेश यादव भी जल्द ऐलान करेंगे, कांग्रेस जल्द ऐलान करेगी, गठबंधन में अखिलेश और कांग्रेस जल्द ऐलान करेंगे। वहीं बीजेपी भी मीरापुर को साधने के लिए या इन 10 सीटों को साधने के लिए क्या रणनीति बनाएगी, ये बड़ा सवाल लगातार दागा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मायावती 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है, आकाश आनंद को एक सीट पर उतारने या उनकी पत्नी को इस सीट से उतारने के ज्यादा प्रयास है। देखना दिलचस्प है आने वाले समय में मायावती क्या रणनीति से आने वाले समय में बढ़ती नजर आएंगी। उपचुनाव अगर साध लेती हैं तो कैसे साधेंगी, किस रणनीति के तहत साधेंगी, गठबंधन में साधेंगी या अकेला चलो की राह पर। फिलहाल आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।